आपका नाम सर? मुजीबुर रहमान। क्या करते हैं आप? मिठाई का काम है मैडम। अच्छा, यहाँ अस्पताल में आप लोग कब से हैं? जी मैडम, हम तो अभी आए लगभग एक घंटा हो गया। एक घंटा? जी जी। तो बहुत मुश्किल से बच गया है? बहुत मुश्किल से बच गया है। आपके इलाके में? हमारे इलाके में हमारे वहाँ तीन मकान हैं, और तीन मकान हैं होने के बावजूद, और जब एकदम मतलब से तीन मुसलमान के मकान, मकान बाकी हैं, हिंदू हैं, बाकी सब हमारे हिंदू भाई हैं, और एकदम से बहुत जत्था सा आया और उन्होंने कहा वो मुल्लाओ बाहर निकलो, तो मैं हम देखेंगे। उन्होंने गाली दी, बहुत उल्टी सीधी माँ बहन की गाली दी। एक आपने पहचाना किसी को कि बाहर के लोग? बाहर के लोग थे ज्यादातर। बाकी हमारे सामने एक संजीव भाई थे, आकाश भाई थे, सारे गली के आगे के मुजीब भाई तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे सारे घर के अंदर ताला लगवा के बाहर से चाबी अपने हाथ में ले ली, और संजीव भाई ने अपने मकान में हमें शरण दी। तो ये आपके हिंदू भाइयों ने जी आपको शरण दी? हाँ, शरण दी, और सारे आके कहने लगे भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई ये समस्त ब्रह्मांड उस परमात्मा का परिवार है, और जो उसके परिवार से प्रेम करता है, अच्छा व्यवहार करता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। तो एकदम से मुझे उन्होंने गले लगाया, भाई हम अगर तुम तक आ गए तो समझ लो हम पहुंच गए, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। ये संजीव भाई ने आपको? जी जी जी। और भी सभी। संजीव भाई क्या करते हैं? संजीव भाई का उनका कारोबार है, कारोबार है सदर में, ज्वेलरी का काम उनका। तो गले लगा दिया? जी गले लगा लिया जी। उन्होंने बहुत हेल्प करी, और पूरी रात, फिर रात में कम से कम 1:30 बजे फिर आए डंडे मारते हो, निकलो मुल्लाओ। तो पता लगा कि संजीव भाई ने उन्हें शरण दे रखी है। तो उन्होंने कहा भाई तुम कैसे इन गद्दारों को शरण दे रहे हो, इन्हें बाहर निकाल लो। फिर उन्होंने जब अजान का वक्त हुआ 5 बजे, फिर उन्होंने अपनी गाड़ियों से हमें यहाँ मुस्तफाबाद छुड़वाया, और हमारे भतीजे की बीवी, उसकी डिलीवरी होनी थी, दर्द हुई बहुत तकड़े, तबीयत खराब हुई, तो फिर वो अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर उन्हें साथ गए। उन्होंने बहुत साथ दिया, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हम बहुत ही, और मंदिर भी हमारे करीब है, उस परमात्मा की बात हम आपस में चलती है। भाई हम सब एक माता पिता की संतान है, स्वयंभू मनु की संतान है, आदम और नमो पुरुष के संतान है, और हमारा तुमसे एक ऐसा रिश्ता है कि भाई हम एक मालिक के बंदे हैं, यानी तुम्हारा हमारा खूनी रिश्ता है, ये कैसे तुम हमें तोड़ना चाह रहे हो। जो बाहर का है उन्होंने बहुत उत्पता मचाया। जब हम सुबह वहां से निकल गए, निकलने के बाद 1 घंटे के बाद उनका फोन आया, संजीव भाई का, आकाश भाई का भी फोन आया कि मुजीब भाई तो ये कम से कम 150 आदमी हैं यहाँ और आ चुके हैं, और संजीव भाई को भी कहा कि तूने साले गद्दारों को पनाह दिए, तुमने मुल्लाओं को यहाँ रोक के, तो बेचारे वो भी अपना ताला लगा के वो भी अपने दूसरे मकान में चले, वो भी चले गए। पर उन्होंने पूरी कोशिश की। जी जी, ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, पूरी उन्होंने हक अदा करा। जी संजीव भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी परमात्मा उनकी जिंदगी में हरदम खुशहाली बनाए रखे, और हमारे जो गली के हैं वो जो हमारी मदद करे अल्लाह सबको। मैं तो यूँ कहता, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वे समझ ना समझे, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे जो ऐसा दंगा फसाद जी ऐसे। हाँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने देखा, आपकी कहानी सुनकर मतलब एक तरह से रोने का मन करता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं जी, जी, उसमें जी, ऐसे लगा कि इंसानियत खत्म हो गई, लेकिन जी, आपकी कहानी सुन के ये पता लगा कि लोगों की इंसानियत जी, जी, और आपस का जो प्यार है वो नहीं खत्म हुआ। जी जी जी, बिल्कुल नहीं खत्म है, और परमात्मा जी जी है। आप अल्लाह बोले, कोई और राम बोले, देखो राम को कहा गया संस्कृत में, राम कहा गया उस परमात्मा को, देखो राम राम, रामचंद्र जी तो एक थे, दूसरे राम कहाँ से आए, मैंने उनसे कहा मालूम करा, पंडित जी भी बैठते मेरे पास, महाराज जी आते हैं, वेदों से बात होती है, कुरान से बात होती है, ये तभी कुरान किसका, मैंने पूरी इंसानियत के लिए है कुरान, ये वेद भी एक ईश्वरवाद की भक्ति की उपासना की इजाजत देता है, और कुरान भी एक ही एक ईश्वरवाद की भक्ति की उपासना की इजाजत देता है। वो परमात्मा निराकार है, अविनाशी है, लाफानी है मेरे भाई। हमारी उनसे बातचीत थी, बहुत प्यार मोहब्बत से हम रहते थे, और जब हम उससे चले मैडम, उन्होंने हमारे संजीव भाई ने जब घर से निकाल दिया, अब पता लगा 1 घंटे के बाद कम से कम 150 आदमी आते, उनका फोन आया, हमारे सारे जो ऑफिस था हमारा मिठाई का काम, तो वो तोड़ दिया, मेन गेट था वो भी तोड़ दिया, और जो अंदर ताला लगा हुआ था वो भी तोड़ के, सारे फ्रिज वॉशिंग ये मान के चलो कपड़ा तक नहीं छोड़ा, और हमारे दूसरे भाई थे उनके साथ भी, तीनों घर में पूरी बाहर निकाल के गाड़ियों में भी आग लग। 3 दिन हो गए मैडम यही का, और ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए भाई, यूँ हमारे संजीव भाई भी, हमारी एक भाभी हैं संतोष मंजू, उन्होंने हाथ जोड़ के भाई इनके हाथ आग मत लगाओ, कम से थोड़ी इज्जत। आपकी जो हिंदू दोस्त हैं जी जी बहुत अच्छे हैं, वो मॉब के सामने खड़े हो जी 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 जी। और मैडम जब हम यहाँ मुस्तफाबाद आए, हमने देखा कि हमारे हिंदू भाइयों की भी दुकान है जहाँ हमारा मिठाई का माल जाता है, मैंने भाई इनकी दुकान को छूना मत, यानी इस्लाम सनातन इस चीज की इजाजत नहीं देता,
ये नहीं, ये इन्हें पता ही नहीं मजहब होता क्या है। तो आपने अपने जी लोगों को भी कहा, अपने लोगों को कहा, एक भी दुकान कम से कम 15-20 दुकान हमारे हिंदू भाइयों की है, किसी की दुकान पे एक भी हाथ भी नहीं लगा उनके ताले को भी। और हमें हिंदू भाइयों में बैठा कहने लगे हमें यहाँ कोई डरने में नहीं है, जब तक हमें कोई होने का नहीं, उन्हें कोई बाल बाग का भी नहीं करा उनका, खूब चला जी। हमने जी जी, और मुझे लगता है कि आपने रास्ता दिखाया है। जी 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 बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छे जी, आपने अपने अल्फाज से एक रास्ता दिखाया जी 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 हम सबको जी जी। हमने तो पढ़ा है उपनिषद में, कई जगह श्लोक आता है वसुदे कुटुम कम, फिर मैंने कुरान का अध्ययन करा, अल खल्क खयालुल्लाह, ये पूरा का पूरा मेरा परिवार है, मेरा भाई जब उस परमात्मा का पूरा परिवार है, मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ और बहन आप भी उस परिवार का हिस्सा है। तो फर्क कहाँ, अगर फर्क है तो हमारे नजरिए का फर्क है, हमारे देखने का फर्क है। फिर वो निकला भाई मुझे, भाई तुम राम राम क्यों नहीं कहते, मैंने 1000 दफे कह दूंगा राम, मैंने ये बताओ राम किसे कहते हैं, रामचंद्र जी तो एक थे, दूसरे राम कहां से, मुझे इस चीज का बताओ, ये दावे से कहता हूं मैं जो सड़क पे, हाँ हाँ ये जो है जी जी जी, राम को तुमने बदनाम करके कर रखा, मैंने अब मैं बताता हूँ आपको, ये राम राम जो है ये रामचंद्र जी एक थे, उनके जो वे थे पिताजी दशरथ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा राम राम इधर आओ, उन्होंने कहा राम इधर आओ, लेकिन दूसरे राम कहां से, तो ये एक मंत्र था रामचंद्र जी का, राम 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 ही नमः, राम राम ही सत्यम अस्ति, ऐसी था मैं राम, मेरा भी एक और राम है, तेरे राम का भी राम है, उसका आगे नमः कर, मेरे आगे नमः करने की जरूरत नहीं, मेरे भाई में अगर एक राम की आगे नमः कर तो मेरा ये दोष है, है? मैं एक ब्रह्म के पास लगी जी, मैं वेद पढ़ता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ जी जी जी, इतने आपने खुद को सिखाया जी जी, मैंने ये देखा कि भाई देखो हिंदू धर्म में क्या है, माशाल्लाह जो कुरान के अंदर वही भगवद गीता के अंदर, अगर ये हमारे हिंदू भाई भगवद गीता तर्जुमे के साथ पढ़ लें, और हमारे मुसलमान भाई जो नहीं तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ ले तो कभी भी नहीं इस तरीके से होना, बहुत करीब की। पिछले 3 दिन में मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला जब मेरे मुंह पे खुशी जी जी, लेकिन आपको सुनकर थोड़ी सी खुशी, मेरी बहन है आप, मैं एक माता पिता की संतान है जिन्हें समम भूमन कहा गया है, शुक्रिया जी, और आपको हिफाजत से आप रहे जी जी, और आप जी जी रहे जी जी, और मैडम देखो जो भी नुकसान हुआ परमात्मा जी उसने दिया था वो ही देगा, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि जो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, वो भी भाई हमारे, हम भाई नुकसान भी करा तो भाई है, मैं नहीं मानने का बिल्कुल जी, बस शुक्रिया जी।